अरे 90 का नॉर्मल वो कर लें कंसीडर, ठीक है? ये आपका आ गया एंगल 90 का, ठीक है? अब जी एक आपने रे लगानी है, कौन सी? ये 90 की ना, आप 60 की भी लगा सकते हैं, 45 की भी, ठीक है ना? ये मैं लगा रही हूँ तकरीबन 60 की आपकी, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ ये रखिए आपने, ये आपकी है एंगल ऑफ इंसिडेंट, कौन सी रे है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है? आई, और ये रख दिया आपने स्लाइड, ठीक है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो पिन लगाएंगे, वन और ये लगा दिया आपको, ठीक है? अब आपने स्लाइड से देखने हैं, जहां पर ये एक ही एंगल में नजर आएंगी ना, वहां पर आपने यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की लाइन में कितनी लगा देनी है, दो पिन लगानी है। अब नीचे बैठ के देखने, ये देखें, आ जाए गर्ल्स भी आ जाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये सेम नजर आ रही है, यहाँ पे बैठ के देखिए, कोई भी आ रही, बैठे बैठे में बैठे, यहाँ पे बैठे ना, नीचे बैठ के पता चलेगा, जहां पर ये चारों एक लाइन में नजर आएंगे ना, वहां पे आपने क्या कर देनी है, पिन लगा देनी है। देखो फोर है एक लाइन में या नहीं है? नहीं होंगी तो फिर आप चेक करोगे पहले, जहां पर ये फोर एक लाइन में नजर आएंगे वहां पर आपने ये लगाना है। देखिए एक 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 वन वन दे, ठीक है, सेम एक लाइन में। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे हटा लेंगे और आप क्या लगा देंगे सर, ठीक है? ये आप ये आपकी लाइन हो जाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन सी आ गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो बोला है वही लिखो, ये आपका आ गई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Thank you.